ये तैयार हो गया है पार्थ का लंच बॉक्स, बिस्किट और मुढ़ी नमकीन। बोल रहा है कि मुढ़ी लेके जाऊंगा मम्मा। मैंने सोचा चलो भाई मुढ़ी दे देते हैं, क्योंकि कल ही का मुढ़ी आया हुआ है, उसे मुढ़ी बहुत अच्छा लग रहा। और ये गया इसका लंच बॉक्स। पार्थ डब्बा खोलना नहीं, गिर जाएगा। ओके जल्दी खिलाई, लेट हो रहा है, पौने नौ हो गया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं और हमारी सुबह हो गई है। हम नहा भी लिए हैं आज, क्योंकि आज है फ्राइडे। पार्थ चला गया है स्कूल लंच लेके, और क्योंकि आज मतलब वो सुबह सुबह दाल चावल खाता है और उसका दाल चावल ऑल टाइम फेवरेट है। दाल चावल मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो वो दाल चावल खा के चला गया है और आज बनने वाला है कुछ स्पेशल। तो सोचा चलो पहले नहा लेते हैं उसके बाद से बना दे। तो आज बनेगा छोले भटूरे। बहुत दिनों के बाद मैं बहुत पहले बनाई थी छोले भटूरे, जब पढ़ते थे हम, दो बार बनाया था। उसके बाद से मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था बहुत मेहनत लगेगा, फिर ये वो नहीं फूला तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये सारी टेंशन रहती है। बट कोई बात नहीं, अब तो हम बड़े हो गए हैं और बना भी सकते हैं अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं छोले भटूरे यम्मी यम्मी से। और आज हम बनाएंगे गरम मसाला, जो बहुत दिनों से मैंने ऐसे ही टाल के कूट के बनाते थे, तो ऐसे करके वैसे करके आज सोचा चलो फाइनली बना ही लेते हैं गरम मसाला। तो चलिए चलते हैं किचन में और आज की दिन की शुरुआत करते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं मैदा। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि हमेशा भटूरा मेरा ज़्यादा ही हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना, मुझे इतना सा ही काफ़ी है दो जन के लिए और पार्थ के लिए भी। तो इसमें हमने डाला शक्कर, नमक, नॉर्मल सोडा जैसे खाने वाला सोडा होता है वो, और बेकिंग पाउडर डाल दिया, मतलब बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे ना, अच्छे से मिला लेंगे प्रॉपर। और फिर इसमें डालेंगे हम दही। दही भी ज़्यादा नहीं यूज करना है, एक मतलब एक बड़ा चम्मच, या फिर जो चम्मच हमने खाने वाला चम्मच होता है उससे 3-4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट ऐसा ना डाल देना कि दही से ही पूरा आटा गीला हो जाए, तो नॉर्मल सा होना चाहिए। जैसे देखा आप लोगों ने हमने कितना डाला, थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। और थोड़ा सा पानी लगा के मैंने ऐसा डो तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर तेल लगा के इसे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे अच्छे से ढक के। तेल अच्छे से मिला देने से क्या होता है ना, आटा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, टाइट नहीं होता। और अभी क्या करेंगे हम, ये गरम मसाला जो है इसे तैयार कर लेंगे। तो ये पैकेट हम लाए थे मार्केट से, ये सारी चीज़ें मिक्स है, ये पत्थर के फूल बोलते हैं इसको, तेज पत्ता है, दालचीनी है, जीरा थोड़ा सा है, धनिया है, काली मिर्ची है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और कुछ एक दो और एक्स्ट्रा मसाले हैं जैसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इतने मसाले हैं और कुछ घर पे जो मसाले हैं खड़े गरम मसाले के, वो मिलाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले गरम तवे पे रखेंगे। मतलब ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना, बस ऐसे ही सिंपल सा करना है। तो ये तेज पत्ता जो है वो थोड़ा खड़ा खड़ा है, तो इसे थोड़ा तोड़ देते हैं, क्योंकि भूनते वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बट उतना ही करना जितनी ये अच्छे से पीस जाए, या फिर धूप अगर ज़्यादा कड़क धूप निकलता है तो उसमें भी आप सुखा सकते हो इसे। तो ये जा रहा है इसमें दालचीनी, थोड़ा सा इलायची, और इसमें डालेंगे हम लौंग। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी इसलिए हमें डालना पड़ा, अगर होती तो हम नहीं डालते। और ये गया जावित्री, वो भी नहीं था इसमें। और थोड़ा सा डालेंगे शाही जीरा, क्योंकि वो भी नहीं था, नॉर्मल जीरा दिया था, धनिया दिया था, वो भी थोड़ा थोड़ा दिया था। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें डाल दी, अभी भी कुछ चीज़ें डालना बाकी है। तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीस लेते हैं। तो अच्छे से मिक्सर में डाल देंगे, ये अच्छे से मतलब होता है ना क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो गया है, तो ये अच्छे से पीसेगा। थोड़ा चिपचिपा सा रहता है ना, तो पीसता कम है, भूसे जैसा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे रोस्ट करना पड़ता है। और ये जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, और हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, हम बस ऐसे ही कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहे तो डालें, नहीं तो ज़रूरत नहीं तो है। तो आटा लगा दिया है मैंने भटूरे के लिए, आधा घंटा के लिए उसे रख देंगे। तब तक हम क्या करते हैं ना कि सब्जी बना लेते हैं। जैसे सब्जी जब तक बनेगा तब तक वो अच्छे से सेट हो जाएगा आटा, फिर बनाएंगे, क्योंकि आज हम बनाने वाले इंस्टेंट छोले भटूरे। जैसे छोले भटूरे बनाने के लिए भटूरे का आटा बहुत पहले हम लोग वो करते हैं, मतलब गूंथते हैं, बट आज हम लोग आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्जी बनाना।
और इधर सब्जी के लिए मैंने गरम तेल में डाल दिया जीरा, कटी हरी मिर्च और प्याज। प्याज बहुत ही बारीक काटा है, आप जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काटना छोले के लिए। और इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मन करे तो नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो तेल में भी डाल सकते हो, बट मैं तेल में डालती हूँ ना तो क्या होता है, छींटे ज़्यादा और सारे तेल ना उड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं प्याज भून के उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। और टमाटर डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। और ये गए मसाले, नॉर्मल जो रेगुलर मसाले होते हैं वही मसाले हैं। और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला मैंने, क्योंकि छोले में मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है। और इसे हम पकने देंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से पक गए थे, मटर डाला और ये गया भुना मसाला, जो अभी हमने गरम मसाला बनाया था ना, वो एक बड़ा चम्मच नहीं है, मतलब जो मसाले वाला चम्मच है उससे फुल चम्मच डाला। और इसे चलाते हुए अच्छे से भून लिया था हमने। फिर इसमें हमने डाला ग्रेवी के लिए पानी, ज़्यादा मतलब ग्रेवी नहीं चाहिए क्योंकि भटूरे से खाना है, तो नॉर्मल सी ग्रेवी चाहिए इसलिए इतना पानी डाला था हमने। और इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया, देखो कितना सॉफ्ट सा लग रहा है, चिकना चिकना सा। तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे पूड़ियों के आकार में, जितने आकार की पूड़ियाँ बनती है उस आकार की। और फिर इसे हम बेल लेंगे ओवल आकार में, जैसे थोड़ा सा लंबा लंबा सा बेलते हैं भटूरे, ज़्यादा अच्छा लगता है। आप गोल भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा मन करे वैसा बेलिए। तो ये हम गोले बना रहे हैं और देखो कढ़ाई गरम है और उसमें डाल दिया हमने ये भटूरे। देखो वाह कितना अच्छा फूल गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने बना दिया। मतलब वैसे मेरे से पूड़ियाँ वगैरह सब फूलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फूलता, बस आटा अच्छे से लगना चाहिए। तो इसे हम दोनों तरफ से अच्छा थोड़ा सा लाल लाल सा कर लेंगे, वाइट कलर के भटूरे अच्छे नहीं लगते हमें, या फिर कोई भी पूड़ी वगैरह थोड़ा सा लाल दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम सारे भटूरे फ्राई कर लेंगे, जितने भी है खाने हैं उसके हिसाब से, नहीं तो गर्मा गर्म भटूरे ज़्यादा अच्छे लगते, ठंडे नहीं अच्छे लगते। इसे दोनों साइड से थोड़ा सा लाल करो तो थोड़ा क्रिस्पी या क्रंची सा रहता है भटूरे का ऊपर वाला पार्ट, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए दूसरा वाला भी तैयार हो गया। तो ये तैयार हो गया उनका खाना, छोले एंड भटूरे। आप लोग देख के बताओ कैसा लग रहा है, कहाँ है, इधर है, आज डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। खाओ और बताओ कैसा लग रहा है छोले भटूरे। तो पहले बनाया ही नहीं था, पहले पहली बार बनाया है मैंने यहाँ पे, मतलब जब पढ़ते थे तब बनाया था दो बार। अच्छा लग रहा है, तब ठीक। तो ये लग गया मेरा छोले भटूरे, उनका हो गया है खाना, अब हम खाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। यम, आज का छोला बहुत टेस्टी लग रहा है और भटूरा भी। आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है, जैसे जैसे मैंने करा वैसे वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। तो हम खाना खा चुके हैं और हमको आ रही है बहुत ज्यादा नींद, क्योंकि भटूरा खाने के बाद और छोले खाने के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है भारी भारी सा। तो हम जा रहे हैं थोड़ी देर आराम करेंगे, और आज का ब्लॉग भी मैंने अभी तक नहीं डाला है तो एडिट करेंगे और डालेंगे। 5 का भी आने का टाइम हो गया है, आएगा आधा घंटा में, तब तक चलते हैं आराम करते। ये देखो ना कितना बड़ा सा घाव हो रहा है, इधर भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और कल है जूतिया का, खाए नहाए, परसों है जूतिया, मतलब शायद 18 तारीख को जूतिया है, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, बट सब लोग कह रहे हैं 18 को है तो 18 को ही। इस साल क्या हुआ है, हर त्यौहार दो दो दिन लग जा रहा है, बट जूतिया तो एक ही दिन लोग करता है, हम लोग के साइड ही होता है, इधर उधर होता नहीं। तो कल के लिए, कल बनेगा हम लोग यहाँ रागी का, ओ मतलब मड़ुआ का आटे का लिट्टी बोलते हैं या पराठा बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो बनेगा।
उसके लिए आज जाना है शाम को लेके आने, क्योंकि घर पे रागी है नहीं तो आज जाएंगे लो। तो चलिए ठीक है, तब तक हम चलते हैं आराम करने। और मैं थकान हो गया बहुत ज़्यादा काम करते करते, सुबह उठ के ये टाइम हो जाता है मेरा रोज का रोज। आ गया अभी आज लॉलीपॉप ले गया। आज लॉलीपॉप लेके आया है? हाँ, मैं लॉलीपॉप खरीदा है क्या? हैं? उसमें है ऊपर वाला। आप खरीदे क्या? स्कूल से लेके आया है? अभी कुछ दिखाते भी। ऊपर वाला में है। ये कुछ वेरी गुड दिखाता है, कह रहा है। तो जा सुसु करने। ये तो उधर कहाँ रख के जा रहा है तू? देखिए कितना बदमाश है। तो ये पार्थ को मिला है भेरी गुड। इस पे ये हम लोगों ने ग्लाइटर लगाया था, ग्लिटर। वाह, वेरी गुड मिला है और स्टार भी मिला है इस पे। गुड गुड। हाँ ठीक है, रहने दो इसको। दिखाओ तो, लॉलीपॉप लाया है ना, दिखा। कौन दिया? वाह, तो पहले चैन खोल बाबू, फट जाएगा। कागज का है। हाँ, ये लॉलीपॉप है। बाप रे बाप, मामा को लगा असली वाला है, ये तो कागज का है। ए, कागज नहीं खाते हैं, बहुत पिटाएगा तू। गुड गुड। देखो। हाँ ठीक है, होमवर्क मिल गया है, कल करना होमवर्क, आज रहने दो ठीक। बारिश हो। खाना खाएगा? क्या खाएगा? भी बारिश हो। क्या खाएगा बाबू? बिस्किट ना? बिस्किट नहीं, बिस्किट ज़्यादा खा लिए हो आप। डब्बा फिनिश किए? ओके गुड। तो ये तैयार हो गया पार्थ के भी छोले भटूरे। ए लीजिए जनाब, खाइएगा ना। पानी पूरी नहीं है, पूरी है, भटूरा है। खा लीजिए, पापा को बुलाइए, अपने पापा के साथ खाइए। क्या हो गया? कौन किया? तो बाबू किया। तो पुस्तक आया है बाबू, क्या खाया? स्पाइडरमैन।